सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है एंड टॉप ऑफ दैट जो थीम है, थीम मुझे बहुत अच्छा लगा जो ये स्किन कॉम्पिटिशन का ऊपर है, मतलब एंटरटेनिंग वे में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है और मुझे लगता है कि ये बहुत ये स्टोरी लोगों तक पहुंचना चाहिए. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज कम एंड वॉच दिस फिल्म एंड स्प्रेड द वर्ड. कांग्रेचुलेशन टू एंटायर टीम ऑफ पिंकी ब्यूटी पार्लर, लव यू ऑल. मूवी काफ़ी अच्छी है, देखने जैसे, टॉपिक भी अच्छा है. जैसे मैंने मेरे सर को बताया था, संजू सर को, अच्छी स्टोरी जो होती है वो प्रेम की मोहताज नहीं होती है. एग्जैक्टली परफेक्ट टाइमिंग है, परफेक्ट है, ज़्यादा क्राउड नहीं है, परफेक्ट देखने जैसी पिक्चर है और ये पिक्चर चलेगी. कॉमेडी के बारे में क्या बोलना चाहिए? कॉमेडी टाइमिंग सही है, अच्छे अच्छे हैं, मेन मेन डायलॉग्स लिए गए इसमें और काफ़ी अच्छी है टाइमिंग. थैंक यू सर. आपको मूवी कैसी लगी? बढ़िया लगी यार, मुझे तो विश्वनाथ चैटर्जी की अच्छी लगी. बढ़िया कॉन्सेप्ट, अच्छी लगी मुझे. ठीक थी, मतलब उतनी अभी मैं उतनी डिटेल, अभी इंटरवल के बाद बची है ना, तो वो देखने के बाद मुझे पता चलेगा. बिल्कुल है. आउट ऑफ 5, 3.5. अच्छी लगी है, कॉन्सेप्ट अच्छा है और इसका ट्रेलर सबसे बड़ा इंट्रीगिंग था, जिसकी वजह से हमें कहानी भी मतलब देखने का बड़ा मन कर रहा था. फनी कैरेक्टर दुलाल का था, राइट, थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा छुपा के रखा है और बाद में जब खुलकर आता है तो यू नो ज़्यादा सारे फैक्टर में उलझा हुआ है, तो दुलाल वाला कैरेक्टर मुझे काफ़ी अच्छा लगा. पिंकी का, हाँ, छुपा रुस्तम, राइट, हाँ हाँ, कहने के लिए मतलब बोला कुछ नहीं है लेकिन उसको सारी चीज़ें मिल रही है बिना पता. बढ़िया बढ़िया बढ़िया, इट हैज़ अ सोशल मैसेज एंड इट विल टच ऑडियंस. आई थिंक ये बड़ी अच्छी कहानी है. 4 आराम से 4. देखने की चीज़ है. आई थिंक करंटली इस तरह की मूवी अभी थिएटर में चाहिए. It will bring audience back to the theater. Thank you. Movie बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई. परफॉर्मेंस वाइज भी देखा जाए तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है सबकी और जो स्टोरी एकदम न्यू है, मैंने अभी तक इस तरह की मूवी देखी नहीं है. मतलब ओवरऑल एक मैसेज भी है इसके अंदर, एंटरटेनमेंट भी है और जो स्क्रीन प्ले इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है. जिस तरह से कहानियों को मर्ज किया है, प्रेजेंट को और पास्ट को, मतलब अमूमन पिक्चर्स में ऐसा होता नहीं है, लोग एक कहानी चलती है, ख़त्म हो जाती है, फिर आगे इंक्वायरी होती है, यहाँ पर इंक्वायरी के साथ मर्ज किया. ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर था, उसमें से बोरिंग नहीं हुई फिल्म, कहीं से डल नहीं है. कैरेक्टर किसका सबसे ज़्यादा पसंद है? सबसे ज़्यादा तो बट ऑफिसर के जो मेन लीड है, नहीं गुलाल तो है ही, लेकिन जो लेडी मेन लीड है जिनकी सुसाइड हो जाता है जिनका, वो तो बेहतरीन अदाकार हैं. बाकी सारे एक्टर्स मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे एक्टर थे सब. मुझे ऐसा लगता सब थिएटर बैकग्राउंड के हैं, कोई भी उसमें ऐसा लगा नहीं जो फ्रेशर हो, बहुत मैच्योर एक्टर. मूवी बहुत अच्छी मूवी लगी और मुझे लगता है कि सब लोगों को जाना चाहिए इस फिल्म देखने के लिए. बड़े दिनों बाद मुझे मतलब फिल्म में मतलब क्लैप करने का चांस मिला. बहुत टाइम पहले सैराट देखी थी मैंने फिल्म, जिसमें मैंने क्लैप किया था, लेकिन उसके बाद इस फिल्म में मेरे दोस्त भी हैं अक्षय और उनके साथ मैंने बहुत काम भी किया है, लेकिन फिल्म के रिलेटेड बहुत अच्छी फिल्म की है. लोगों को सबको देखना चाहिए इस फिल्म को सीरियसली. जो उन्होंने कटाक्ष किया है कि गोले और काले के ऊपर, गोरे और काले के ऊपर, बहुत अच्छा, वेरी नाइस मूवी. और कॉमेडी जो पंचिंग है, अरे कमाल हो गया, मतलब बहुत मज़ा आया हम लोगों को देखने के लिए. थैंक यू मैम. आप क्या कॉन्सेप्ट? देखिए ये न्यू कॉन्सेप्ट है, बहुत तरह की मूवी आती है लव स्टोरीज वगैरह, बट इसमें कॉमेडी भी है और ये जो फेयर एंड ब्लैक डार्क के ऊपर जो हम लोग टोन करते कि देखो ये काले हैं तो इसका वो बहुत अच्छा मैसेज है सबके लिए कि आप खूबसूरती के पीछे मत भागो, खूबसूरती इंसान के अंदर होनी चाहिए. हाँ, जो फेयरनेस क्रीम है वो अपने चेहरे को साफ कर सकते बट इसको बदल नहीं सकते. तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा स्पेशली और मैं सबको बोलूँगी कि वो जाके देखें. और वो डायलॉग बड़ा अच्छा था कि खूबसूरती आपके अंदर होती है ना कि चेहरे पे, वेरी नाइस डायलॉग. स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स और डायरेक्शन कमाल, कॉमेडी भी बहुत अच्छा है, वेरी अमेजिंग. थैंक यू दोस्त. पिंकी वाला बहुत अच्छा था,
ऑल ओवर मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा लगा? कॉन्सेप्ट तो बहुत ही अच्छा है, थैंक यू सर। अच्छी लगी मूवी में कैरेक्टर सबसे ज़्यादा कौन सा एकदम शानदार था? मूवी में मुझे सबसे बढ़िया लगा वो जो है कि जो है ये सर हैं विश्वनाथ दादा, तो इनका अच्छा लगा, पात्र अच्छा लगा, फायदा अच्छा लगा। जिस टॉपिक पे बनाया है उसके बारे में बात तो करना चाहिए बात। कॉन्सेप्ट कैसा लगा? वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। पिंकी एंड जो था बबल जो, हाँ वो। और रंग के ऊपर में जो कॉन्सेप्ट लगा ये आपको पर्टिकुलरली कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे? ये सही था, इसके बारे में बात करना चाहिए। इंडिया में ये बहुत होता है कि कलर्स के ऊपर भेदभाव तो बहुत होता है, तो इट वॉज अ ग्रेट टॉपिक फॉर हिम। इट विल श्योरली इग्नाइट सम माइंड्स। आपको दोनों पार्ट वॉज क्रेजी, इट वॉज रियली रिलेटेबल लाइक फ्रॉम टुडेज़ टाइम, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लाइक पीपल शुड पिक अप दीज टॉपिक्स एंड क्रिएट सम मूवीज, इट्स रियली रिलेटेबल लाइक कंपेरेटिव टू टुडेज़ टाइम। अच्छी है, अच्छे थे सब अब तक। कॉमेडी टाइमिंग कैसी लगी? अच्छी है, सब अच्छी। मूवी 4 स्टार्स।